इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो इंटरचेंजेबल पार्ट्स की डिस्कवरी हुई, इसने हमारी दुनिया को एक मैसिव तरीके से बदल दिया। इनफैक्ट द यूज ऑफ इंटरचेंजेबल पार्ट्स बिकेम अ पावरफुल प्रिंसिपल। जो इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी होती थी उसको इतना मैसिवली इंक्रीज कर दिया था कि अब हम रिप्लेसेबल पार्ट्स को मास प्रोड्यूस कर रहे थे। कंसिडर अ सर्कल, इट इज अ वेरी सिमेट्रिक शेप, बहुत रोटेशनल सिमेट्री फॉलो करता है। इवन इफ यू रोटेटेड ऑन आइदर साइड इट डजंट चेंज। ऐसा हो सकता है कि उसके इंडिविजुअल पॉइंट्स अपनी जगह चेंज कर रहे हो, बट द सर्कल एज अ होल इज अनचेंज्ड। एक इंट्यूटिव सेंस में दिस इज सिमेट्री, द एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज। यू कैन मेक चेंजेस ऑन दैट थिंग एंड ऑल्दो दे माइट चेंज इट, इट डजंट ट्रांसफॉर्म द थिंग एज अ होल। आज से ही थोड़े टाइम पहले जब स्पेन ने कोस्टारिका के अगेंस्ट 7 गोल मारे थे तो बहुत सारे ट्वीट्स आए थे, सम कॉलिंग देयर पास मैप लिटरल परफेक्शन। जो टर्म है पोजिशनल प्ले, वो आज से कुछ टाइम पहले ट्रांसलेट होके बनी थी, विच वॉज नोन एज हुएगो दे पोजिशन इन स्पेनिश। एक मिस्टीरियस मेथड जो मैजिकली अपीयर करा पेप गुआर्डियोला के जनरेशनल बार्सिलोना साइड, जो कि 2008 से 2011 के बीच में एक माइंड बेंडिंग सिस्टम ऑफ रूल्स एंड स्प्रॉलिंग लॉजिक चार्ट्स को यूज करते हुए अपने साइट में हर एक ट्रॉफी जीत गई थी। हालांकि ये सिस्टम पेप गुआर्डियोला ने इन्वेंट नहीं किया था, इसका इंसेप्शन बहुत टाइम पहले हुआ था। इनफैक्ट साची के टाइम से पोजिशनल प्ले हैज बीन इन यूज। पोजिशनल प्ले पिच को रीइंटरप्रेट करता है एक एलैबोरेट ग्रिड में, पूरा फ्लोर मैप बनाया जाता है और इस मैप में तुम्हें डिजिंग एरे ऑफ रेक्टेंगुलर कॉरिडोर्स दिखेंगे। इनफैक्ट पेप गुआर्डियोला की जो ट्रेनिंग पिचेस होती है उनको तुम देख सकते हो एंड दे विल शो यू दी सेम ग्रिड्स एंड कॉलम्स। एक पोजिशनल प्ले टीम सिमेट्री के आइडिया को साथ में लेके चलती है। द स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड टू रिमूव सर्टेन वेरिएबल्स फ्रॉम द गेम। गेम स्टेट को जितना कंट्रोल में रखा जा सके उसी की कोशिश की जाती है। पोजिशनल प्ले कुछ एक्सियम्स का यूज करता है, जैसे कि स्पेस और टाइम। इन पोजिशनल प्ले दीज आर द थिंग्स दैट केम बिफोर एवरीथिंग एल्स। स्पेस एंड टाइम हैज ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑन द पिच। इट इज नॉट इंटरप्रेटेड बट इज एन इमर्जेंट रियलिटी। और क्योंकि पोजिशनल प्ले में स्पेस और टाइम हैव ऑलरेडी एग्जिस्टेड, वो कहीं गए नहीं है, कहीं से आए नहीं है, किसी भी तरीके से इंटरप्रेट नहीं हुआ है, अ लॉट ऑफ पोजिशनल ऑटोमेटिजम्स आर ट्रेंड विदाउट एनी ओपोजिशन। तुमने देखा होगा बहुत सारे पेप गुआर्डियोला, शावी, आर्टेटा, अ लॉट ऑफ पोजिशनल प्ले के कोचेस के जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं दे हैपन विदाउट एनी ओपोजिशन। अ लॉट ऑफ टाइम इट्स जस्ट प्लेयर्स परफॉर्मिंग वन सेट ऑफ एनिमेशन अगेन एंड अगेन, रिपीटिशंस दैट अनश्योर स्ट्रक्चर्स आर मेंटेन्ड। पोजिशनल प्ले पैराडाइम ने यूरोपियन फुटबॉल को ऐसे चेंज करा है that over the course of last 20-30 years you will not find a single top European team that has ran away from positional concepts. Although top level pe koi bhi team ek singular paradigm ko use nahi karti, obviously her team ek mixture of paradigms ko use karti hai, but in general you will not find a European team that has rid itself of positional principles. Lekin South America mein aisa nahi ho raha. Football is still played differently than in Europe. You need more anarchy in your terms, you see. You need more various activities, more multiple views. You see, our classical idea was that molecules are colliding at random. Like dust particles, how would they produce coherence? And now we see that non-equilibrium can produce coherence, can produce structures, can produce very complex patterns, and which permit us to see, to understand, I would say, much better the type of structures which we see in the. So relationism, a paradigm of football. Ki. Isko translate kiya tha. योजेफ बोजिक, जिन्होंने इनको जोगो फंक्शनल ट्रांसलेट किया था 2018 में।
रिलेशनिज्म भी एक लेंस ही है, इसके थ्रू तुम गेम को थियोराइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और फर्दर डेवलप कर सकते हो। पोजिशनल प्ले लुक्स लाइक एन एरे ऑफ स्लैशेस, क्रॉसेस, एंगल्स। इट इज़ वेरी कट थ्रोट। यूरोपियन फुटबॉल के कॉम्पिटिटिव नेचर को ध्यान में रखते हुए इट मेक्स सेंस। पोजिशनल प्ले बहुत कट थ्रोट है, बहुत स्ट्रेट है, बहुत शार्प है। पर बॉल तो राउंड है। पर आई थिंक रिलेशनिस्ट अप्रोच को गिल्बर्टो फ्रेरे ने बहुत अच्छी तरह फ्रेज किया। आर पासिस आर ट्रिक्स दैट समथिंग विच इज रिलेटेड टू डांस, टू कपोएरा, मार्क द ब्राजीलियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल विच राउंड्स एंड स्वीटन्स द गेम द ब्रिटिश इन्वेंटेड, द गेम विच दे एंड अदर यूरोपियंस प्ले इन सच एन अक्यूट एंड एंगुलर वे। इन रिलेशनिज्म इट इज द वेरी प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन इंट्रैक्शंस which generate the possibilities to access and actualize an infinite variety of virtual realities. याद होगा मैंने positional play के बारे में बताते बताया था कि positional play के axiom are basically space and time. They have existed even before man did, even before the pitch existed itself. It is there, it cannot be removed. Contrarily, relationism में जो dynamics होते हैं interactions के between each player, they bring about interpretations of space and time. और क्योंकि हर human कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से interpret करते हैं space और time को, तो एक micro level पे relationism unstable and chaotic लगता है। पर कह सकते हो कि ये जो instability है, ये randomness है, it is what brings about the cultural beauty out of the beautiful game. Chaos is such a misunderstood word. You see, for many people, chaos means disorder. Curiously, chaos, as studied in modern science, and many people speak of the new science of chaos, chaos is a type of order. It's a type of unstable order in which the temporal sequences are very complex.